वह व्यक्ति जो भीड़ में शोर मचाता है भीड़ ही बन जाता है, जो खामोशी से मतलब मेहनत करता है वो कामयाब हो जाता है। इसलिए दोस्तों मेहनत करो इतनी खामोशी से कि कामयाबी शोर मचा दे, क्योंकि जिंदगी में क्या है, असली मजा जीतने का असली मजा तब आता है जब सभी लोग आपके हाथ की पूजा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद योगेश जी। दोस्ती के लिए मैं एक सारी बोलना चाहता हूँ कि दोस्ती दोस्ती में ही तो संभव चलेगा यहाँ पे, और यही दोस्ती हमेशा बरकरार बनी रहे डिप्लोमा के बाद भी। मैं कहना चाहता हूँ इश्क और दोस्ती मेरी जिंदगी की दो जहाँ है, इश्क और दोस्ती मेरी जिंदगी की दो जहाँ है, इश्क मेरा रूह तो दोस्ती मेरा इमां है। इश्क पे कर दो फिदा अपनी जिंदगी, इश्क पर कर दो फिदा अपनी जिंदगी, मगर दोस्ती पर मेरा इश्क भी कुर्बान है। दोस्तों बहुत ही खुशी मिलती है इस तरह से कम्युनिकेशन करने पे, और एक तरह से अंदर से उत्साह आता है, बनता है कि हम अपने दोस्तों से कितनी अच्छी तरीके से और एक साथ माहौल से कम्युनिकेशन कर रहे हैं, और ये कम्युनिकेशन स्किल सबके अंदर डेवलप होना चाहिए। इसी क्रम में मैं बुलाना चाहता हूँ अपने जी, आप बताएं कि कौन आना चाहते हैं, मैं तो किसी को बुलाऊंगा नहीं अचानक, सबको बुलाना नहीं, किनारे आए जितेंद्र, जितेंद्र जी आपका नंबर है, आए सबका नंबर है, नंबर वाइज आए, स्वागत है। मैंने जितेंद्र कुमार राम मिर्जापुर नॉन टेक्निकल बारे में कुछ जानता नहीं था, मैं यहाँ हरकेश सर के पास आकर कुछ यहाँ से सीखा हूँ। मैं हरकेश सर को बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। यकीनन ये फैले हुए उनके पैर बोलते हैं, ये फैले हुए उनके पैर बोलते हैं, अक्सर लोग खामोश रहते हैं, जमाने जिनके हुनर बोलते हैं। वाह वाह वाह, बहुत बहुत सर्वप्रथम मैं निखिल, सर्वप्रथम हरके सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने मुझे यहाँ बोलने का सौभाग्य प्रदान किया है। मैं सर्वप्रथम जब डिप्लोमा करने आया, अच्छे इंसान है, मैंने इन्होंने एक बार देखा कि क्लास में सब लड़के आपस में एक बार झगड़ा हो गया, एक लड़का एक लड़के को मारने के लिए उठ गया, एक लड़का एक डांटा, अमीर इतना बनो कि आप कितनी भी कीमती चीज को चाहो तो उसे खरीद सको, और कीमती इतना बनो पेंसिल बनकर किसी की खुशियां नहीं लिख सकते, तो कोशिश करो एक अच्छा रबर बनकर किसी की जिंदगी को गम को मिटा सको। वादा करते हैं हम आपसे हमेशा दोस्ती निभाएंगे, वादा करते हैं हम आपसे हमेशा दोस्ती निभाएंगे, कोशिश यही रहेगी आपको नहीं सताएंगे। इस बात पे हम एक बात बोलना चाहते हैं, जो उन्होंने वादे की बात की, इतिहास में किसी ने कहा है कि ये मेरे दोस्त मिलने की तुम कोशिश करना, वादा कभी ना करना। पहले तो मैं अली सर का धन्यवाद करना चाहता हूँ, और ये छोटी माइक और छोटा सेमिनार, छोटी छोटी ऊंचाइयों से ही लोग बड़े बड़े ऊंचाइयों पे ही जाते हैं, क्लासेस में मेरे मित्रगण और सहपाठी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। पहले तो मैं सर को धन्यवाद करता हूँ, और बहुत लोगों ने बहुत कुछ बोली होंगे यहाँ पे आकर, अभी बोलेंगे, और इसके बाद मेरा फर्स्ट सेमिनार है, इसे थोड़ा भी हिचकिचा रहा हूँ, और यहाँ पे आने के बाद कोई हिचकिचाया नहीं, आके अपनी बातों को असमर्थ रूप से यहाँ पे मतलब अपने प्रदर्शित करें। और जिसे सर ने बताया था कि नॉलेज के बारे में, नॉलेज हमारे दो तरह से मतलब डिपेंड होते हैं, एक तो इंटरनल पार्ट होता है, एक एक्सटर्नल पार्ट होता है, जिसके साथ में हमारी दोनों पर्सनैलिटियाँ डेवलपमेंट होती हैं। एक तो जो इंटरनल पार्ट होता है उससे हमारा जैसे कि माइंड डेवलपमेंट होता है, जैसे सर ने नॉलेज के बारे में बोला है, तो हमको पता ही नहीं था कि मतलब यहाँ पे SSC के बैच में कुछ पढ़ा रहे हैं सर, तो हम कहें क्या पढ़ाते होंगे ऐसे वैसे, तो हमने सोचा कि चलो चलते हैं देखते हैं क्या सर पढ़ा रहे होंगे।
तो फिर यहाँ पे आने के बाद पता चला कि सर ने कुछ नए नए ट्रिक्स के बारे में बताया है। तो सर ने मतलब कि बिहारी लाल जी का एक आपने वो क्वेश्चन पढ़े होंगे कि गागर में सागर सर भरे हैं, तो हम लोग भी भरने की कोशिश कर रहे हैं गागर में सागर। और यहाँ पे कुछ लोगों ने ये सब लिखे हैं, मुझे लगता है ये तो बाजीगर से लिया क्या है। कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं अच्छे अच्छे मत जी बारी बुलंदी भरी महफिल में। तो नए साल के ऊपर मैं एक शायरी और सुनाना चाह रहा हूँ, और मैं क्योंकि मैं लिख के लाया। परिंदों को मिलेगी मंजिल एक दिन, ये उनके फैले हुए पर बोलते हैं। परिंदों को मिलेगी मंजिल एक दिन, ये उनके फैले हुए पर बोलते हैं। और वही लोग होते हैं खामोश अक्सर जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। वाँ वाँ वाँ। आने वाला नया साल सभी लोगों के लिए खुशखबरी और दुख से बीता हुआ। जो अब ना मैं हूँ ना बाकी है, जमाने मेरे फिर भी मशहूर हैं शहरों में फसाने मेरे, फिर भी मशहूर हैं शहरों में फसाने मेरे। जिंदगी है तो नए जख्म भी लग जाएंगे, जिंदगी है तो नए जख्म भी लग जाएंगे। अब भी बाकी है कई दोस्ती पुराने मेरे। पहले तो भाइयों आपको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि आपने अपना बहुमूल्य समय निकाल कर यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, और इस कोचिंग का आज एक साल पूरा भी हुआ है। मैं अपना अनुभव यहाँ पर देना चाहूँगा। मेरे हिसाब से मुझे रीजनिंग का कुछ भी नहीं पता था जब मैं यहाँ पर पहली बार पढ़ने आया था, तो जो भी मैंने रीजनिंग में सीखा वो हमारे हटके सर के द्वारा ही सिखाया गया है। और हम लोग संघर्ष करते रहें तो कभी न कभी मंजिल हमें जरूर मिलेगी। इसी प्रकार हम अपनी गाड़ी को विराम देना चाहूँगा। तो अपने मात पिता पे आज बड़ा अभिमान है, हमको अपने मात पिता पे आज बड़ा अभिमान है, हमको अपने मात पिता पे आज बड़ा अभिमान है। जिनके पुल पर पाप से है दर, जग में बड़ा इंसान है, जग में बड़ा। याद करो दिन बचपन की, माँ दौड़े ऐसी आती थी, याद करो दिन बचपन की, माँ दौड़े ऐसी आती थी। रोने की आवाज को सुनकर माँ कैसे घबराती थी, माँ कैसे घबराती थी।